हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटल थिंग्स। और मैं हूँ आकांक्षा। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल। या गाइस, ये आपके डैंड्रफ को पूरी तरह से हटाएगा, वापस आने से रोकेगा, साथ ही हेयर्स को लॉक करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथन देगा आपके हेयर्स को और झड़ने से बचाएगा। सो गाइस, लेट्स चेक आउट द वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस माय एनी वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दैट्स मीन अ लॉट फॉर मी। सो गाइज, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप कोकोनट ऑयल। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑलिव ऑयल से भी इसे बना सकते हैं, बट यहाँ मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज दैट वॉज द बेस्ट ऑयल आई थिंक। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है पेंग्विन सीड्स, यानी कि मेथी दाना। हमें ड्राई मेथी दाना चाहिए 2 से 3 चम्मच, यानी 2 to 3 tablespoons ड्राई पेंग्विन सीड्स चाहिए हमें। उसके बाद हमें चाहिए लेमन जेस्ट, यानी जो नींबू को मैंने निचोड़ के उसका जो छिलके हैं उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। हमें ये 3 tablespoons चाहिए, यानी 3 tablespoons मुझे लेमन जेस्ट चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने मिक्सर में डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है, बट आप चाहें तो यू नो लेमन का जो जूस है वो निकाल के ऐसे कि ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बिना ग्राइंड करे भी। सो गाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस गाइज, मेरी जो आधी फुटेज है वो डिलीट हो गई है एंड आई एम रियली रियली सॉरी। होप आप लोग समझेंगे मेरी ये बात, क्योंकि वो जो मेरी फुटेज थी वो बिल्कुल डिलीट हो गई, करप्ट हो गई थी वो। सो मैं आधा नहीं शूट कर पाई हूँ, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मैं बता सकूं। आधी फुटेज है मेरे पास, तो प्लीज़ होप यू कैन अंडरस्टैंड, पर नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह से ये ऑयल जो है बनने के बाद दिखता है। पर मैंने इसको सबसे पहले पैन को गर्म करा है और ये तीनों इंग्रेडिएंट डाल के 10 मिनट तक मध्य आँच में मैंने, यानी लो फ्लेम में से कुक करा है। और उसके बाद ये कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाता है, बिल्कुल काला नहीं करना है, इस तरह से ब्राउन डार्क ब्राउन तक ही रखना है इसे। और उसके बाद आप इसे ठंडा होने दें और एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लें और आपका जो ऑयल है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा कोकोनट ऑयल जो था वो एकदम ट्रांसपेरेंट कलर का था, अब ये येलोइश कलर का हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये येलो हो गया है, क्योंकि जो लेमन की गुडनेस है इसमें बहुत अच्छी तरह से आ गई है, साथ ही जो फ्रेंक्विन सीड्स है वो भी इसमें बहुत अच्छी तरह से, जो उसके प्योरिटीज़ हैं वो सब इसके अंदर डिजॉल्व हो चुकी है। गाइज, मैंने अपने चैनल पर फ्रेंक्विन सीड्स हेयर स्प्रे भी शेयर किया है, आप उसे भी ज़रूर बनाएं। और अगर आप ये दोनों यूज़ करेंगे तो आप जल्दी ही लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हेयर्स आपको मिलेंगे। आपको उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। सो गाइस, उसके बाद आपको इसे अप्लाई करना है 4 से 5 घंटे अपने बालों में। और आप चाहें तो इसे रात में अप्लाई करके रात भर छोड़ सकते हैं या सुबह शैम्पू कर लें, बट अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप सुबह 4 से 5 घंटे के लिए अप्लाई करें। आप हफ्ते में इसे 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके ये जो डैंड्रफ है वो वापस नहीं आएगा। और उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से या जो भी आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं उससे अपना जो हेयर है वो वॉश कर लें। गाइस, बिल्कुल ईजी है, जैसे हम नॉर्मल ऑयलिंग करते हैं उसी तरह का है। सो गाइस, इसके अंदर जो हमने ऐड किया है वो था मेथी दाना, यानी पेंग्विन सीड्स, जो कि आपके हेयर को फॉल होने से बचाता है। बहुत सारी नेचुरल रेडीमीज़ में यूज़ होता है, आपके डैंड्रफ को कम करता है, आपके जो हेयर की ड्राइनेस है उसे कम करता है, मॉइस्चर देता है, आपके स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इंक्रीज़ करता है और आपके पतले बालों को मोटा करता है और बाउंसी बनाता है। उसके बाद हमने इसे कोकोनट ऑयल से बनाया था, जो कि हम सभी जानते हैं कोकोनट ऑयल जो है उसमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है, जो आपकी जो स्कैल्प है उसे स्मूदिंग करता है, आपके हेयर फॉलिक को कम होने से बचाता है, उसे ग्रोथ करता है। सो गाइज, आपको ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद गाइज, इसके अंदर हमने ऐड किया है लेमन, जो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपके स्कैल्प में जितनी भी इंप्योरिटीज़ है डर्ट है उसे निकालेगा, साथ ही हेयर आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा। और जो भी हम इसमें ऑयलिंग करेंगे वो डीपली आपके हेयर्स में अच्छे से लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा किसी भी चीज़ का। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगेन मैं आपको प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, दैट्स मीन अ लॉट फॉर मी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो गाइज, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू, डू ट्राई दिस गाइज, बाय।